ये है बादाम का पेड़ जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये बादाम का पेड़ और इसमें से ये ऐसे होते हैं बादाम, ये है रेड क्रैप्स। वो फट चुकी है जो ये मशीन है जिस जो नाव को आगे बढ़ाती है, ये चल नहीं रही है। हम लोग चिल्का लेक के बीचों बीच में बैठे हुए, कभी ये चले तो हम लोग आगे बढ़े। ऑटो की ऑटो में ही है, नया दिन और अंकल जी हो गए साथ। चश्मा कहाँ है आपका? और अंकल जी से कुछ भी कहो, एक छोटी सी स्माइल आती है चेहरे पे, आ गया चश्मा। हाँ अंकल जी रेडी है और हम लोग जा रहे हैं सीधे चिल्का झील। और ये टी शर्ट यहीं कल मैंने ली, पूरी बीच अच्छी लग रही है, बताइएगा जरूर कमेंट में अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो बस चलते हैं और दिखाते हैं आपको सीधे। जस्ट ऑटो से यहाँ क्या कहते हैं, ये लगी है अपनी बस जो हम लोग को लेके जाएगी पूरा चिल्का की तरफ, और जाके बस हम लोग सीधे जाते हैं और दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या नज़ारे पड़ते हैं, उसके साथ साथ चिल्का। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही बस में चढ़ा मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी मेरा दिल खुश हो गया, दिखाता हूँ आपको। ते ही मुझे एकदम दिखाई दिए ये सुबह सुबह पूजा किए हुए श्री जगन्नाथ, बहुत ही सुंदर बहुत ही क्यूट। ये देखिए पहुंचे जस्ट अभी चिल्का झील रिजर्व में, यहाँ पे अपनी बस रुकी, सारे लोग उतरे और ये देखिए अपने पीछे से आ रहे हैं। घूम के जाना है यहाँ से बोट। और इन लोगों ने एक चीज़ अच्छी की कि हम लोगों से जो है वो पहले ही 300 रुपीज़ लिए वो बोट के, लगभग 4 से 5 घंटे 18 किलोमीटर घुमाते हैं सिर्फ लेक में। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, सबसे बड़ी इंडिया की। और बताते हैं आगे डॉल्फिन रिजर्व पॉइंट है, उसके बाद एक आइलैंड है उस पर जाके टापू पे छोड़ेंगे आपको। काफ़ी कुछ है यहाँ करने वाला, एक एडवेंचर्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। और अभी आए हैं, अब आपको दिखाते हैं यहाँ जो जो चीज़ें होती हैं। और 3 ही दिन खुलता है ये, मंडे वेडनेसडे और शायद सैटरडे, 3 ही दिन खुलता है। तो अगर यहाँ आइए तो इसका टूर ज़रूर करिए। उसके अलावा खंडगिरी और सारी जगह है वो भी टूर कराते हैं, वो अगले दिन का होता है, एक दिन का। रिजर्व में हम लोग आए थे, ये आपको पता है क्या है, ये है बादाम। अंकल जी भी तोड़ लाए, ये देखिए ये लगे हुए हैं, ये देखिए ये लगे हुए हैं, ये देखिए लगे हुए हैं, ये मिले हैं बादाम। ये हैं बादाम का पेड़ जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये बादाम का पेड़ और इसमें से ये ऐसे होते हैं बादाम जो हम लोगों ने तोड़े हैं। तो अब देखते हैं इसमें कुछ तोड़ने का मिलता है, लगा हुआ है अंकल हमको ये तोड़ना है। अंकल जी ये तोड़ना ही नीचे से था। और अभी बस बादाम तोड़े, जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े पत्तियों वाले, ये हैं काजू बादाम। अभी बादाम अंकल ने ये देखिए दिखाएं आपको, ये अंकल ने ये भर रखे हैं बैग में, कह लगे ये दिखाएंगे चल के, ले चलते हैं और वहाँ दिखाएंगे चल के कि बादाम होता कैसा, जिसने नहीं देखा उसके लिए नई चीज़ है। इससे बात तो सही है, नई चीज़ तो है। खैर अब देखते हैं और अब सीधे बोट में जाते हैं, आपको दिखाते हैं बोट राइड। 18 किलोमीटर की बोट राइड है 4 घंटे की, बहुत बड़ी, अब ये समझ लीजिए बहुत ज़बरदस्त। अब दिखाते हैं आपको बोट राइड। और यहाँ बता रहे हैं वो पानी वानी ले लीजिए आप, कोल्ड ड्रिंक चिप्स ये सब चीज़ें ले लीजिए वरना आगे दिक्कत हो सकती है। तो वो सब खरीद लिया हम लोगों ने, अब बस नाश्ता और ये कोल्ड ड्रिंक ये सब ले लिया। बता रहे थे कि एक बोतल पानी मत लीजिए, 2 बोतल पानी लीजिए क्योंकि 3-4 घंटे लगेंगे उसमें, आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने 1 बोतल पानी और ले लिया और फिलहाल हम लोग हैं बस नाव पे जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको यहाँ की सैंड जो है, मिट्टी जो है बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज कलर की, इसीलिए यहाँ पे जो बादाम और काजू के पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और बहुत सारे बादाम आपको पड़े ही मिल जाएंगे, मतलब लाल लाल कलर का इतना बड़ा फल होगा वो आपको पड़ा मिल जाएगा, आप ले जा सकते हैं और घर में उसको खोल के खा सकते हैं, बहुत सुंदर बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है जाने की रास्ता नाव तक, जो कि चिल्का झील के लिए है। ए, हम लोग लाइव जैकेट नहीं दी। यार बड़ा किसकी चली आई, नहीं देर नहीं हुआ, किसकी पहले स्टार्ट हो गई, इस पे जाने मजा आएगी। क्या मतलब झील है, क्या है तो समंदर लग रहा है। ये है रास्ता झील के आने के लिए। और ये हो गया आपका परिगामी पुल, ये अजीब सा पुल है, इसमें पैर रख रहा है तो नीचे ऊपर हो रहा है,
और यहाँ से बोट पे चढ़ने के लिए स्पेशली बनाया गया है, और ये तैरता रहता है ऊपर ही, डूबता नहीं है ये। वो देखिए बोट आपको दिख रही है ये सारी, आप मंत्रियों की तरह आए बिल्कुल कुर्ता उर्ता पहन के। इस पे हम लोग अभी खड़े हैं, मेरे पैर रखते ही जो है नीचे ऊपर हो रहा है, काफी ज्यादा मतलब डर लग रहा है इसमें। लेकिन मतलब नया नया अगर कोई आएगा तो डर लगेगा उसको यहाँ पे, तो मतलब मुझे मैं इस पे जैसे पैर रख रहा हूँ, जैसे ये पैर रख रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि अलग ना हो जाए तो इस तरह से। लेकिन मुझे दूर दूर तक सिर्फ समुंदर की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब लेक तो कहीं से भी नहीं लग रही है ये, इसीलिए बोलते हैं लार्जेस्ट लेक है इंडियाज। लाल बोट में गए हैं बैट, स्टार्ट होने वाली है, जस्ट जनरेटर ऑन होने वाला है, उसके बाद हम लोग सीधे चिल्का की बीच में और काफ़ी देर तक घूमते ही रहेंगे। अंकल जी हमारे उधर बैठे हैं, ये एक भाई बैठे हैं हमारे पांडे जी, और ये आपके साथ। बस अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको अभी ये डॉल्फिन्स का नज़ारा। और ये यहाँ पे कर रहे हैं भैया स्टार्ट, एक दो तीन और ये हो गई स्टार्ट। में पहली चीज आई है हमारे डेस्टिनेशन की, वो है केकड़ा, वो भी रेड कलर का। पीछे लोग देख रहे हैं, पीछे से फुर्सत मिले तो हम लोग भी खाएं, है मतलब देखें, तो आ जाए भैया लाओ देखें। ये है रेड क्रैब्स, मिलेगा वो देखने मिलेगा ना, सब में से नहीं निकलेगा, किसी में निकलेगा। हाँ नीचे तो रख रही हूँ, ऊपर नीचे करे ना। देखिए इसमें है, इसमें है। देखो अंकल अंकल इधर दिखाओ, इधर देखो कैसे झील में। हाँ 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 हाँ, ये रहा ये रहा, उसको बोलते हैं शक्ति मुत्तु, शक्ति ओरिजिनल मोती है ये। मार्केट में आपको 2,000-2,500 रुपए पड़ता है, इधर कितना है? इधर 320 रुपए। ठंडा हो रहा दिख रहा है कुछ। लेकिन अभी उस पॉइंट पे है जहाँ से डॉल्फिन दिखी हम लोगों को, लेकिन बहुत कम दिखी, एक या दो, और देख के जैसे ही आती हैं वैसे ही अंदर चली जाती हैं। और सॉरी ये शोर है, इस वजह से व्लॉग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बस कम से कम हम लोग 2 घंटे से चिल्का लेक में घूम रहे हैं और डॉल्फिन दिखी बट थोड़ा थोड़ा दिखती हैं, उसके बाद फिर अंदर चली जाती हैं, तो पॉसिबल ही नहीं उनको रिकॉर्ड कर पाना। जरा सा हल्का सा ऊपर आती हैं, उनकी टेल दिखती है बस, बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत सारी थी, बट कैमरे में उनको कैद करना बहुत पॉसिबल नहीं था। हो चुका है पोपट, क्योंकि ये नाव को आगे बढ़ाती है ये चल नहीं रही है। हम लोग चिल्का लेक के बीचों बीच में बैठे हुए हैं, कभी ये चले तो हम लोग आगे बढ़े। चला देना भैया, देखो कभी ये चलाते हैं तो हम लोग किनारे पे जाते हैं, तो डराने वाली बात बता दी उन्होंने, और कहीं ना 5 मिनट रुक जाओ, और रुकेंगे नहीं क्या करेंगे, बड़ी समस्या है। बताते हैं हम लोग उधर पहुँचे या नहीं पहुँचे। दूसरी नाव आई है, ये दूसरी नाव आई है जो हम लोगों को इस वाली बोट से, ये तो बंद हो गई, ये वाली दूसरी नाव आई है और ये हम लोगों को इधर से इधर ले जाएंगे। पानी के बाद अब आया है एक आइलैंड, यहाँ ले रहे हैं नारियल, बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा वाला, एक ये और एक ये मलाई वाला ले रहे हैं ताकि मलाई खाने को मिले। इससे पहले खाया उसमें पानी भी निकला थोड़ा सा, उसको ये देखिए भैया काट रहे हैं। सर एक इतनी जोर से मार रहे हैं, मतलब मैंने बोला था ना पैंट ऊपर करने का, एकदम से दीजिए 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 भैया दीजिए, अब वाला एक हाँ एक और बस, अब नारियल पानी लेके बैठा। अच्छा हो गया कि सफर के बाद, उसके बाद वो बोट खराब हुई, फिर दूसरी बोट आई, वो हम लोग लेके आइलैंड पे आई, अभी वहां देखना है, वहां समुंदर से
ये चिल्का झील मिलती है, मतलब इसके आगे जस्ट चिल्का झील और समंदर है, इनका संगम है, वो देखने हम लोग जा रहे हैं। इस आइलैंड पे हम लोग टहल रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं। जूते हाथ में हैं क्योंकि अगर पैरों में पहनेंगे तो यहाँ सब गंदे हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, फिर गीले हो गए तो ठंडी लगेगी और तबीयत भी ख़राब होने के चांसेस हैं। इस वजह से अब देखिए चलते हैं और दिखाते हैं आगे आपको। ये पेड़ देखिए बड़े अलग कलर के चीड़ जैसे हैं, जैसे पहाड़ों पे होते हैं उस तरह के, पास जाना नहीं चाहिए, बट ये देखिए अलग बिल्कुल, पता नहीं हमें लगता है जंगली घास है ये। जस्ट फील लाइक कि कहना प्यार के ऋतिक रोशन वाली फील आ रही है इस समय कि हम लोग एक टापू पे आ गए हैं, वो भी जैसे तैसे उल्टे सीधे कि बोट खराब हुई उसके बाद सब कुछ हुआ। अंकल पानी है और अब हम दिखाते हैं आपको संगम पॉइंट उसका, चिल्का झील और समुंदर का जो नज़ारा है उसकी मैं परिकल्पना नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर पानी, इतना साफ है, इतना साफ है, मतलब अनटच्ड, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, यहाँ सब सीपियाँ ज़मीन में पड़ी हुई हैं, सब सीपियाँ। मैं गूगल मैप में आपको दिखाता हूँ मैं इस समय हूँ कहाँ पे, ये देखिए। कोने में हूँ और यहाँ पे आने के लिए आपको 18 किलोमीटर बोट से आगे आना पड़ेगा और उस 18 किलोमीटर आने के बाद तब आप यहाँ पहुँचेंगे। तो अब आप ये समझिए कि हम हैं कहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा साफ है यहाँ, पूरी बीच भी गया मैं लेकिन यहाँ की बात निराली है। अनटस्ट मिले, भीड़ ना हो, और इस समय जिस बीच में मैं हूँ दूर दूर तक कोई नहीं है, बस मैं और अंकल जी, दूर दूर तक कोई नहीं है। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये बीच जो है वो चिल्का झील के पास जो बीच कनेक्ट होता है, एक टापू है, टापू पे एक आइलैंड पे ये बीच है, उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप हैं और जो लोग टूरिस्ट आपके साथ आए। और ये देखिए, और यहाँ स्पेशली मना किया गया कि ज़्यादा आगे मत जाना क्योंकि ये रेत बहुत जल्दी खींच के ले आती है आइलैंड से, इस वजह से। रीज़न ये है कि पैंट वैंट सब गीली हो गई है, क्योंकि यहाँ मस्ती करने का एक अलग ही माहौल और अलग ही फील आ रहा है, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं, मतलब सीरियसली। ये देखिए फाइनली वापस आ गए, इतना सब कुछ हुआ, सब कुछ ख़राब हुआ फिर ठीक हुआ। अब जाते हैं खाना वाना खाते हैं और खाना खा के सीधे निकलते हैं पुरी के लिए। काजू है ये, अंकल ने ये चोरी करा है हंस क्यों रहे हैं, एक दूसरे के से चोरी कर रहे हैं बिना पूछे, इतने सारे काजू इनका करेंगे क्या, इसमें तो सामान भरा था अंकल ने, इसमें ये भरा है। चोरी नहीं, सरकार की है चीज़। कैसे पता सरकार की है? रोडवेज बस अड्डा है।